मनीष जी भाजपा के बहुत बड़े पिलर हैं मीरा भाईंदर में। सर अभी इलेक्शन में काफ़ी बड़ा सहयोग चल रहा है आपकी तरफ से, काफ़ी भागदौड़ चल रही है, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है आपको? माहौल के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से, या ये कहिए कि 2009 से जो परिवर्तन मीरा भाईंदर में दिखाई दे रहा है वो सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही है। मीरा भाईंदर के नागरिकों ने लगभग ये तय कर लिया है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टियों ने जिन्होंने उनको झूठे वादे किए या जिस तरह भी उनको परेशान करके रख रखा था उसको बदल कर एक नई सरकार की उम्मीद करके बैठे हैं वो। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। हर जगह क्षेत्र में लोगों की मानसिकता बदल गई है। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था मीरा भाईंदर की प्रगति का मुद्दा, जो हमारे नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मेहता जी ने जिसका आगाज दे दिया था 2009 में। और आज जो मीरा भाईंदर में जो आप देख रहे हो, ड्रेनेज का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, सेवन वंडर जैसी चीज़ें जो आज दिखाई दे रही है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही देने को, तो पब्लिक को ये दिखाई दे रहा है कि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी को ही लाना चाहिए। और हमारे जितने भी कैंडिडेट हमने उतारे हैं, एक तो युवा वर्ग से उतारा है हमने, शिक्षित, घरेलू, सभ्य और नम्र व्यक्तित्व को हमने ज़्यादा प्रभाव में लाने की कोशिश की। इसका रिजल्ट भी हमको अच्छा मिल रहा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। कौन कौन से वार्ड में आपके प्रत्याशियों की ज़्यादा उम्मीद बनी है? नहीं देखिए, उम्मीद तो हमने हर वार्ड से कर रखी है, ये नहीं कहेंगे कि कोई पर्सनल वार्ड है इसके लिए, हर वार्ड से हमने उम्मीद की है। और इस बार हमारी पूरी उम्मीद ये है कि हमारा ही मेयर बनेगा, सत्ता भी हमारी है। शिवसेना भाजपा की युति हमने की है, एक दो जगह पर कुछ टेक्निकल कुछ शिवसेना ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए हमको उनका जवाब देने के लिए अपने प्रत्याशी को उतारना पड़ा। आपके प्रत्याशी नंबर वार्ड नंबर 43 के जो प्रत्याशी हैं भगवान कौशिक, उनके बारे में ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि इज नॉट ऑथराइज्ड फ्रॉम द हाई कमांड? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात, ये जो विचारधारा लोगों में जो फैलाई जा रही है, ये कुछ तो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ 42 और 43 इन वार्डों में वर्चस्व हमेशा सत्ताधर पार्टियों का रहा है। आज 42 में भारतीय जनता पार्टी का कैंपियन होने के वजह से आज गिलवर सेठ जैसे बड़ी हस्ती को यहाँ आना पड़ा, दीपिका अरोड़ा के सामने उनको खुद खड़ा करना पड़ा अपना एक उम्मीदवार जिसको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं, सिर्फ अपना। अच्छा, इतने बड़े बड़े जो हैवी वेट्स यहाँ पर आ गए हैं, गिलवर सेठ की फैमिली इधर आ गई है, उधर शिवसेना के लोग अलग जो रजमाइश कर रहे हैं, तो 42 और 43 बोथ वार्ड बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द कॉन्टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको कैसा लग रहा है कि लोगों से आप मिल रहे हैं, लोगों का झुकाव किस तरफ है? जब हम किसी लोगों के घर के दरवाजे पर जाते हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि इंडिया स्तर के माध्यम से हमारे पास भाड़े का कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारे पास जब भी कोई भीड़ दिखती है या हमारे किसी ऑफिस में बैठे हुए 100-150 सदस्य हैं, उनमें से कोई भी भाड़े वाला नहीं, वो हर हमारे ही वार्ड के परिवार का एक सदस्य होता है, एक महिला होती है, वो अपना समय निकाल के हमको अपने समय का योगदान दे रहा है। तो इससे ही साफ हमको लगता है कि हमको रिस्पॉन्स परिवार में भी मिल रहा है, वोटर्स हमारे तरफ झुक रहे हैं। और जो सुस्ती थी, जो 35-40% का जो वोटर का जो वोटिंग होती थी पोलिंग बूथ पर, इस बार हम 60-70% की उम्मीद कर रहे हैं। लोग हमको कह रहे हैं कि आप आ गए तो बाहर आ गए। अच्छा देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ही कम प्रयास है, आप समझो ना कुछ प्रयास हो रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, वो काम प्रत्याशी को ही खुद करना पड़ रहा है। तो क्योंकि वार्ड चेंज हुए हैं, डिवाइडेशन हुआ है, एक उम्मीदवार को 2-2 वोट देने हैं, इस बारे में क्योंकि आप डायरेक्ट जनसंपर्क में हैं, तो क्या आप बता पाएंगे लोगों में कितनी जागरूकता है कि ये जो डिवाइडेशन हुआ है? इस व्यू में मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो वार्ड की बात आप कर रहे हैं 42 और 43, ये वार्ड शिक्षितों का वार्ड है,
यहाँ पर सब लोग बिजनेसमैन हैं, सर्विस होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब हैं। उतनी जानकारी उनको मीडिया के माध्यम से भी है, कुछ हमारे जो उम्मीदवार डोर टू डोर कर रहे हैं वो जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे पास कार्यकर्ता हैं वो भी अपने तरफ से कैंपेन चालू करके इस तरह की उनको ज्ञान दे रहे कि भाई हमें इस तरह देना है और वो एक वोट आपको इसमें देना है, एक वोट हमको इसमें देना है, इस तरह की बातों को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, रिस्पॉन्स भी आ रहा है। कहीं कहीं कुछ बातें हम नहीं जानते, वोटर खुद हमें जानकारी देता है कि ऐसा भी हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर जो है, जो फिक्स वोटर जो बताते हैं जो बिजनेस समुदाय के लोग हों, वो सोचते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे साथ क्रिश्चियन जुड़ा हुआ है, हमारे साथ मुस्लिम जुड़ा हुआ है, हमारे साथ सिख जुड़ा हुआ है, माने जितनी भी जातियाँ, जितनी भी पक्षपात वाली बातें जो सत्ता पार्टी करती थी, भाजपा ऐसा करती थी, वैसा नहीं है। एक धर्म निरपेक्ष जो राज्य जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, सारी पार्टियां डेवलपमेंट का मुद्दा ऑलमोस्ट, नारे की भाषा अलग है लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर रेजिंग द सेम इशू ऑफ डेवलपमेंट, भी रवाइंदर के हम ये करेंगे, हमने वो किया, हमने वो किया। हाउ योर स्लोगन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर जो पार्टी आपको बता रही हम ये करेंगे हम करेंगे वो 20 साल से कहती आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 में जब नरेंद्र मेहता जी मेयर बने तो 2009 में मेहता जी ने 2.5 साल के बाद पद छोड़ना स्वीकार किया, क्योंकि आज तक सत्ता पार्टियों ने हमेशा डमी मेयर बैठाया जिनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। मायाराम मेंडोसा को ले लो आप, निर्मला सांवले जो थी शिक्षित थी लेकिन राजनीतिकरण के बारे में कुछ नहीं, तुलसीदास मात्रे जी जो 8 महीने से उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ कोई भी सभा नहीं बुलाई, जिसको डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए था, जो किया क्यों नहीं, क्योंकि सत्ता की पार्टी उनकी थी। लेकिन हमारे नरेंद्र मेहता की बात करता हूँ, आज आप मीरा भाईंदर में, मीरा भाईंदर के पैसे से आप यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, जब तक हम पैसा बाहर से ना लाएं, सेंट्रल से पैसा हमको लाना पड़ेगा, स्टेट से हमको पैसा लाना पड़ेगा, तब हम मीरा भाईंदर को कुछ कर सकते। ये चीज़ मेहता साहब ने किया, नरेंद्र मेहता साहब ने स्टेट से भी अपना फंड लिया, राज्य से भी हमने लिया, और इस प्रोग्रेस को देखो आज पूरा मकाम हमारा है कि ड्रेनेज लाइन रोड सब कुछ हमने बनाना शुरू कर दिया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।